देपालपुर में करणी सेना का आक्रोश देखने को मिला, जहां करणी सेना के राजपूत युवाओं ने यात्रा निकालकर आक्रोश जताया, क्योंकि विधानसभा चुनाव के पहले राजपूत समाज में बड़ा आक्रोश देखने को मिल रहा है। देपालपुर में भी राजपूत समाज की करणी सेना और सामाजिक युवाओं को आक्रोश देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग और युवा भोपाल में 8 अक्टूबर को होने वाले मुख्यमंत्री आवास के घेराव को लेकर करणी सेना द्वारा निकाली जा रही स्वराज स्वाभिमान केसरिया यात्रा में शामिल हुए और राजपूतों ने देपालपुर में हुंकार भरी। इस दौरान यह करणी सेना के प्रदेशाध्यक्ष अनुराग प्रताप राघव, तहसील अध्यक्ष गोपाल सिंह चिकलोंडे और करणी सेना के पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां उन्होंने आक्रोश व्यक्त करते हुए स्वराज स्वाभिमान केसरिया यात्रा निकाली और युवाओं से 8 अक्टूबर को भोपाल में होने वाले सीएम हाउस घेराव में पहुंचने की बात कही। करणी सेना के प्रदेशाध्यक्ष अनुराग प्रताप और गौरव ठाकुर और गोपाल सिंह चिकलोंडे ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि सरकार की वादा खिलाफी के चलते करणी सेना द्वारा पूरे प्रदेश भर में स्वराज स्वाभिमान केसरिया यात्रा निकाली जा रही है, जिसके माध्यम से राजपूत समाज आक्रोश व्यक्त कर रहा है और जल्द ही 8 अक्टूबर को समाज के सभी युवा भोपाल पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। और फिर भी अगर सरकार नहीं मानेगी तो आगे आने वाले समय में राजपूत समाज के युवा और भी बड़ा आंदोलन कर आगे कदम उठाएंगे। देपालपुर में स्वराज स्वाभिमान केसरिया यात्रा निकालते हुए राजपूत समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर इस बार विधानसभा चुनाव के पहले सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो समाज के लोग कड़ा कदम उठाएंगे, क्योंकि सर्व समाज का हित ही हमारा लक्ष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो घेरूंगा और तभी उठूंगा जब समाज की मांगे पूरी कर दूंगा। तापमान काफी ज्यादा है, मेरे शायद लंबा इंतजार करा दिया। और भाई हमें यहाँ टिकट नहीं दिया जाता, ना कांग्रेस से ना बीजेपी से। हम किसी विचारधारा को बिलोंग नहीं कर रहे हैं, विचारधारा को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना कांग्रेस की विचारधारा को ना बीजेपी की विचारधारा। हम केवल इतना कर रहे हैं कि हमारे जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं, जहां से टिकट जो पार्टी देगी, चाहे वो बीजेपी दे चाहे कांग्रेस दे, उन्हें वहां से हमें एक होकर जिताना है। मैं बताऊं आपको, कंपेल का वोट 2300 वोट का वोट है। जब मैं जिला पंचायत लड़ा तो मेरे सामने का समय नजदीक और पूरे प्रदेश में स्वराज स्वाभिमान केसरिया यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं, जो कि समाज के हक और अधिकार के लिए निकाल रहे हैं। उसमें अभी हमने 9 सूत्रें मांगे रखी है जो स्वर्ण समाज के लिए, उसको जगह जगह हर जो जनप्रतिनिधि है उसको भी दे रहे हैं, या SDM कलेक्टरों के माध्यम से हम मुख्यमंत्री को पहुंचा रहे हैं कि प्रदेश का मुखिया जो हर बार लॉलीपॉप देता है, इस बार लॉलीपॉप नहीं लेंगे। एक बार पूर्व में भी 2 बार आंदोलन करनी सेना कर चुकी है, उसका कोई परिणाम नहीं आया। तो ये जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ये आंदोलन कोई भी लॉलीपॉप आंदोलन नहीं है, इस आंदोलन की लड़ाई परिणाम तक जारी है। इस तरह से देपालपुर से शुरुआत की और मध्य प्रदेश के समूचे क्षेत्र में पहुंचने की आपकी बात सामने आई है, तो कहां तक आप पहुंचेंगे, किन किन क्षेत्रों में इस तरह से? देखिए, शुरुआत देपालपुर से नहीं हुई, शुरुआत कराडिया से हो चुकी है। सबसे पहले शुरुआत 3 तारीख को चुकी है, प्रदेश के 13 जिलों में अभी तक ये यात्रा पूरा कर चुकी है।